के जिस पर हम लोग विचरते हैं और अरे हमारे सच्चे देवता तो गोवर्धन है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। क्यों? सारे ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं गोवर्धन महाराज पे, और हमें गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं। भगवान ने बाबा बाबा, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी है। तो जवाब दिया नंद बाबा ने, बेटा हम जब इंद्र की पूजा करेंगे उसके बाद इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। राज, अरे छोड़ा इंद्र की पूजा। बाबा नंद ने बहुत समझाया, कन्हैया जब नहीं माने कभी कल्पना करता है कि नंद बाबा समझाए और श्याम ने कन्हैया मानी।
की सभा बाबा नंद ने बुला करके कहा, हे यादवों, सभी गोपी गोप और ग्वाल, आज गिरिराज जी का पूजन होगा। ये भाई गोवर्धन है, लंका पर विजय पाकर के जब श्री राम आए, भाई दौनागिर पर्वत लखन लाल को प्राणों का दान मिला है, जामवंत और ये दौनागिर पर्वत, ये दोनों उदास होकर के भगवान के चरणों में रोने लगे। जवाब दिया दौनागिर पर्वत ने, मैं समझता था दुनिया स्वार्थी है, आज पता लगा कि आप भी स्वार्थी हो। अरे अपना काम निकल गया, हमें यही छोड़ दिया। हनुमान जी को आज्ञा दी, ने ब्रज में ले जाकर के रखो, अभी मर्यादा में बंधे, द्वापर में जब आएंगे तब तुम्हारा पूजन करवाएंगे। आज गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए सभी ब्रजवासी किस तरीका से गिरिराज की पूजा करने को जाएंगे, सबसे पहले परीक्षित जी और यज्ञपति महाराज आप गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद जो माताएं मैंने मीठे प्रसाद बना करके लाई है गिरिराज के लिए, आराम आराम से सभी लोग एक साथ नहीं उठेंगे, पहले परीक्षित यज्ञपति पूजा करें,